दोस्तों राशन कार्ड को लेकर आप लोगों को काफी परेशानियां हो रही हैं जैसे कि आपका राशन कार्ड बना है उसकी लिस्ट में आपका नाम है लेकिन उसको किसी कारण आपको का नेम है वो काट दिया गया है या फिर आपका जो राशन कार्ड है किसी दूसरे गांव में ट्रांसफर कर दिया गया हो या फिर अगर आप लोगों ने ऑनलाइन आवेदन कराया है लेकिन अभी तक आपका राशन कार्ड नहीं बन बनकरा है वो उसका काफी समय भी हो गया एक दो महीने हो गए आपको ऑनलाइन आवेदन कराए लेकिन अभी तक आपका राशन कार्ड बनकर नहीं आया या फिर आपके कोटेदार के द्वारा जो सारी सामान होती हैं जैसे गेहूँ चावल चना वगैरह अगर आपको नहीं मिलता है या फिर कम वो तोलता है उस रिलेटेड ये सारी चीज़ें समस्याओं को लेकर आज के बारे में हम बताने वाले कि आप लोग किस प्रकार से ऑनलाइन माध्यम से उसकी शिकायत कर सकते हैं क्योंकि क्योंकि राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश सरकार ने इसके राशन कार्ड के ऑफिशियल वेबसाइट में एक नया ऑप्शन दे दिया है कि आप राशन कार्ड की जो आपको कोई भी शिकायत है कोई भी कंप्लेन है उसको आप किस प्रकार से कर सकते हैं तो दोस्तों आज के हम बात करने वाले हैं कि किस प्रकार आप राशन कार्ड से रिलेटेड शिकायत किस प्रकार से कर सकते हैं तो दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल नेट गुरु को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर देना दोस्तों आप आप लोग वीडियो को, को लाइक करते हैं तो हमको थोड़ा सा मोटिवेट मिलता है तो प्लीज यार लाइक जरूर कर दीजिएगा तो चलिए शुरू करते हैं अपना वीडियो दोस्तों सबसे पहले आपको करना क्या होगा अपना एक मोबाइल फोन में या फिर लैपटॉप में कोई भी ब्राउजर ओपन कर लेना है ब्राउजर ओपन करने के बाद उसमें सिंपली आपको राशन कार्ड सर्च कर देना है ठीक है तो मैंने राशन कार्ड सर्च कर दिया है सर्च करने के बाद आपके सामने एक सेकेंड ऑप्शन देख जाता है जिसमें लिखा है होम आपूर्ति उत्तर प्रदेश खाद्य दे। इसमें क्लिक करना हो या फिर आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट डाल सकते हैं fcs .up .gov .in इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है इसमें क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक ऑफिशियल वेबसाइट खुलकर सामने आ जाती है दोस्तों इसकी मैं लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे वहां से जाकर आप इसको सिंपली ओपन कर सकते हैं ठीक है इसके बाद जब हम स्कॉल डाउन करेंगे तो आप नीचे देख सकते हैं लिखा है ऑनलाइन शिकायत प्रेषित करें टोल फ्री नंबर भी आपको दे रखा है चाहे तो आप टोल फ्री नंबर से कॉल करके उनको शिकायत दर्ज करा सकते हैं या फिर इसका एक ऑफिशियल फॉर्म भर कर आप शिकायत कर सकते हैं दोस्तों मैंने इसमें क्लिक कर दिया क्लिक करते ही आपके सामने कुछ दूसरा इंटरफेस खुलकर आ जाता है जो कि लिखा है खाद्य एवं रसद विभाग उत्तर प्रदेश कॉल सेंटर ठीक है यहाँ पर आने के बाद आप देख सकते हैं ऊपर साइड में लिखा है शिकायत दर्ज कर रजिस्टर कंप्लेन नेक्स्ट में लिखा है शिकायत की वर्तमान स्थिति के व्यू करंट स्टेटस ऑफ कंप्लेंट ठीक है आपको शिकायत करनी है तो पहले ऑप्शन में क्लिक करेंगे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ दूसरा इंटरफेस खुलकर आ जाता है एक फॉर्म टाइप का खुलकर आ जाता है ये आपकी शिकायत करने के लिए कंप्लेंट करने के लिए आपके फॉर्म है ठीक है यहां पर आने के बाद आपको फर्स्ट ऑप्शन दिख रहा है लिखा है शिकायतकर्ता का मोबाइल नंबर यहां पर आप अपना अपना मोबाइल नंबर डाल देंगे फिर इसके बाद यहां पर लिखा है शिकायतकर्ता का परिचय यहां पर जिला अपना सेलेक्ट कर देंगे कौन सा जिला है आप उत्तर प्रदेश के किस जिले में किस डिस्ट्रिक्ट में बिलोंग करते हैं वही डिस्ट्रिक्ट का नेम आप यहाँ पर फिल कर देना है ठीक है यहाँ आने के बाद अपना शिकायतकर्ता का क्षेत्र क्या है मतलब ग्रामीण क्षेत्र है या नगरीय क्षेत्र है जो है वो डाल देना है ठीक है फिर इसके बाद यहाँ पर अपना पूरा नेम डाल देना है यहाँ पर जो नेम है यहाँ पर आपका पता डाल देना है यहाँ पर एड्रेस क्या है एड्रेस डालने के बाद अपना दोबारा फिर से दे मोबाइल नंबर डाल देना कोई दूसरा मोबाइल नंबर डालना होगा यहाँ पर फोन नंबर हो तो डाल सकते हैं कोई बात नहीं यहाँ पर ई मेल आई डी अगर हो है तो डाल सकते हैं नहीं है तो कोई बात नहीं इसके बाद अपना प्रोफेशनल चुने आप प्रोफेशनल क्या नागरिक हैं विधायक हैं राज्य मंत्री हैं केंद्रीय मंत्री हैं या डॉक्टर हैं या कोई कोई भी बहुत सारे ऑप्शन दिख रहे हैं पत्रकार सरकारी सेवक हैं या नागरिक हैं तो सिंपली आप नागरिक भी यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं ठीक है यहाँ पर अपने वर्ग चुन सकते हैं कि आप एस सी एस टी ओमेन है या चाइल्ड है या फिर हैंडीकैप है या अदर है जो भी कैटेगरी से आप आते हैं यहाँ पर आप सिलेक्ट कर देंगे ठीक है इसके बाद लिखा है शिकायत का विवरण यहाँ पर अपन फिर से जिला चुन लेंगे आप कौन से जिले से आप शिकायत करना चाहते हैं जो सिलेक्ट कर देंगे इसके बाद अपना क्षेत्र फिर से कर देंगे ग्रामीण क्षेत्र या नगरीय क्षेत्र ठीक है यहाँ पर आने के बाद आपको लिखा है शिकायत का विषय कम्प्लेन ऑफ सब्जेक्ट ठीक है सब्जेक्ट ऑफ कंप्लेन यहाँ पर अपने शिकायत का सब्जेक्ट डालना है कि आपको राशन कार्ड ऑनलाइन आवेदन कराया था लेकिन वो नहीं आया है इसके बाद लिख सकते हैं या फिर वो आपका कोर कम तोलता है उसके बाद हम सब्जेक्ट लिख देंगे जो भी आपका विषय है दो सौ वर्ड में यहाँ पर हमने पूरा भर देना है कि आपका विषय क्या है किस किस पोर्शन में आप शिकायत करना चाहते हैं ठीक है वो आप भरेंगे कि आपका राशन कार्ड के लिस्ट नाम काट दिया गया है तो वही आपको भरना है मतलब जो भी आपकी कंप्लेन है राशन कार्ड से रिलेटेड यहाँ पर आप भरेंगे ठीक है केवल 200 सौ वर्ड में इसके बाद यहाँ पर लिखा है पूर्व शिकायतों की संख्या अगर आपने पहले से शिकायत कर रखी है तो उसका यहाँ पर नंबर डाल सकते हैं नहीं तो कोई बात नहीं यहाँ पर आपने शिकायत का विवरण आपको पंद्रह वर्ड में आप यहाँ पर पूरा शिकायत विवरण दे सकते हैं पूरे डिटेल्स में आप हिंदी में चाहे इंग्लिश में आप पूरा अप्लीकेशन यहाँ पर लिख सकते हैं ठीक है यहाँ लिखने के बाद आप जब नीचे स्कॉल डाउन करेंगे तो आपको ये कैप्चा कोड दिख रहा है बार कोड जिसे बोलते हैं कैप्चा कोड आर सेवन फाइव फोर के लिखा है यहाँ से मेरे नीचे एक बॉक्स दिख रहा होगा इस बॉक्स में आपको भर देना होगा भर देने के बाद आप दर्ज करें में क्लिक करेंगे तो आपका ये फॉर्म सबमिट हो जाता है यानी आपकी शिकायत सबमिट हो जाती है और आपको चौबीस घंटे के अंदर आपकी शिकायत के जो भी आपकी शिकायत है उसका समाधान कर दिया जाता है केवल चौबीस घंटे के अंदर दोस्तों मैं इसमें शिकायत के लिए कोई फॉर्म भरने वाला नहीं हूँ क्योंकि मुझे कोई शिकायत नहीं करनी मैं केवल आप लोग बताने के लिए ये केवल फॉर्म आपको बताया कि ऐसे ऐसे भरना है भरने के बाद आपको सिंपली सबमिट कर देना है ठीक है दोस्तों दोस्तों सबमिट करने के बाद अगर आपकी कोई प्रक्रिया कार्रवाई नहीं होती है तो आप नेक्स्ट यहाँ पर आकर नीचे पीछे देख लिखा है शिकायत की वर्तमान स्थिति क्या है व्यू करंट स्टेटस आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर देखकर आप ट्रैक कर सकते हैं कि आपकी कंप्लेंट किस अधिकारी पास पहुंची है ये भी यहाँ से देख सकते हैं ठीक है और दोस्तों ये गारंटी है इसमें चौबीस घंटे के अंदर आपका समाधान कर दिया जाता है तो दोस्तों कैसा लगा आज का मेरा वीडियो अगर दोस्तों हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा वीडियो को लाइक कर देना और शेयर करना और कोई भी डाउट हो या कुछ भी पूछना हो तो सारी चीजें हम कमेंट बॉक्स में हम बता दीजिए तो हम सारी चीजें कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करके आपको सारी चीजें क्लियर कर देंगे तो दोस्तों मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ तब तक के लिए धन्यवाद जय हिंद वंदे मातरम